हरामखोर मछली चुराता है, रुक तुझे बताता हूँ। बेवकूफ कहीं का, एक मछली के पीछे पूरी दुकान छोड़ गया है। हमारा मिशन कामयाब हो गया, चलो पकी हुई मछली उठाते हैं। चलो 5 किलो मछली अब मुफ्त में खाएंगे। हेलो पिताजी, यहाँ से पकी हुई मछली भी चोरी हो गई है। हैं क्या? उस चोर को छोड़ना मत, ये भी उसी के साथी हैं। तू दुकान संभाल, मैं इन हराम खोरों को देखता हूँ। Oh, no! रुको कारी साहब, आपको ज्यादा जल्दी है, तीसरे साथी को तो आने दो, सारे साथ मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे, पता नहीं वो कब आता है, मेरे तो पेट में भूख से गुड़गुड़ हो रही है। आ जाएगा आ जाएगा, एक तो आपके सामने खाना रख दो तो आपसे सब्र ही नहीं होता। खाने को इंतजार करवाना गुनाह है, मैं गुनाहगारों में शामिल नहीं होना चाहता। हाँ, मछली को चोरी करके सवाब का काम करके आ रहे हो, मैं गुनहगारों में शामिल नहीं होना चाहता। अच्छा एक बेरा तो खाने दो, मछली की खुशबू मेरी जान निकाल रही है। जान तो मेरी भी निकाल रही है। अच्छा आपके कहने पर थोड़ी सी खा लेते हैं। हराम खोर, भाई साहब ये लो अपनी मछली, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे साथ डबल गेम कर रहा है। कौन सी डबल गेम? मैं तो मछली देख रहा था कि ये जिंदा है कि मर गई। मुझे उल्लू बनाता है, तेरे दूसरे साथियों ने मेरी पकी हुई मछली चुरा ली है। ये क्या कह रहे हो, मेरा तो कोई साथी नहीं है। झूठ, सच बता तेरे साथी कहाँ है? आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अच्छा जा, तुझे माफ किया, मछली तो देता जा, चल। बच गए। ओह नो, अच्छा अकेले अकेले खा रहे हैं, मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। हराम करो, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस टेस्ट कर रहे थे। ये टेस्ट कर रहे हो, आधी मछली तो खा गए। मैं तो इसे कब से कह रहा था कि तीसरा साथी आ जाए, मिलकर खाएंगे, इससे तो इंतजार भी नहीं होता। साले झूठे मौलवी, मुझसे इंतजार नहीं होता, पहला बेरा किसने उठाया था? सालो जान की बाजी मैंने लगाई, मछली तुम दोनों अकेले अकेले खा रहे थे। अरे झगड़ा छोड़ो, मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर खाने में बरकत होती है। भाई तुम लोग खा लो, मैं चलता हूँ। भाई मैं भी जा रहा हूँ, मेरी नमाज का टाइम हो गया। शुक्र है ये लोग चले गए, अब मैं अकेला ये सारी मछली खाऊंगा। रुक हरामखोर, तुझे मैं मछली खिलाता हूँ।